सोलन में कुछ दिन पहले 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके चलते पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। कोरोना संक्रमण और पुलिसकर्मियों में ना फैल सके, इसलिए पुलिस लाइन को सील कर दिया गया था। तीनों पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले सभी कर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया था तथा जो प्राथमिक संपर्क थे उनके आवश्यक टेस्ट करवाए गए थे, ताकि इसमें रहते ये पता चल सके कि कोरोना ने पुलिस लाइन में कितने लोगों को संक्रमित किया है। लेकिन सुगत बात ये रही है कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि पुलिस कर्मियों के संपर्क में आने वाले करीबन 12 कर्मियों को आइसोलेट किया गया था। उनके आवश्यक टेस्ट करवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संपर्क की रिपोर्ट ही नेगेटिव आई है, तो अब डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि तीनों पुलिस कर्मियों के रिपीट टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिनकी आज रिपोर्ट आएगी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। सर, हाल ही में जो कुक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए थे, अब क्या उनके रिपोर्ट है और साथ ही साथ क्या अब उनके जो कॉन्टैक्ट में लोग आए थे, क्या वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या रिपोर्ट है? उनके जो कॉन्टैक्ट में लोग थे 10-12, उन सबके सैंपल्स लिए गए थे, वो सब नेगेटिव पाए गए हैं। बाकी ये कुक और जो ये पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, इनके सैंपलिंग आज होगी, उसके बाद स्थिति पता लगेगी। और बाकी आपको बता दें कि सिम्टोमेटिक है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। वो जो हमने प्राइमरी सैंपलिंग की थी, जब वो ही नेगेटिव आई है, तो और तो हमें कोई चिंता का विषय ही नहीं है।